हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवान इन्फोटेक। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के रिगार्डिंग। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है बीएड एडमिशंस के लिए 2021 टू 2023 सेशन के लिए, तो उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर डीडी के। ओके, तो ये सिर्फ डीडी के कैंडिडेट्स के लिए है। जो एक एडमिशन जो हो रही है वो रेगुलर कैंडिडेट्स की हो रही है, वो अलग है और ये अलग है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है डीडी के अंडर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी वाले स्टूडेंट जो अभी रेगुलर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसके फॉर्म ऑलरेडी जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। तो बात शुरू करते हैं हम। जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है वो 1 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक आपकी काउंसलिंग होगी। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कौन किसकी काउंसलिंग कब आनी है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेगी। ओके, वीडियो को एंड तक देखना आप। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कमिटी इन द कमिटी रूम ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग होगी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपकी जो काउंसलिंग होगी होगी जो भी स्टूडेंट्स जो जिनने फॉर्म अप्लाई किया है। तो सर, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है वो डिपॉजिट करना है 32,380 रुपये थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड इन। आपको जो ऑनलाइन अप्लाई अपनी पे जो फी है वो पे करनी है, डिपॉजिट करनी है, जो बैंक यहाँ पे दिया गया है अकाउंट नंबर यहाँ पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओके, तो ये अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इस अकाउंट पे जो फ़ी है वो अपनी पे करनी है। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन मोड ऑनलाइन फिल इन द एडमिशन फॉर्म एंड प्रिंट आउट प्रूफ द सिम्पटम ऑफ द फी डिपॉजिट इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉलिंग अंडर विच देयर द काउंसलिंग शैल नॉट बी कंडक्टेड। ओके, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको फ़ी पे करनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ओरिजिनल सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो साथ में उनको फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स भी वो भी साथ लेके जाने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपको जो फॉर्म आपने फिल किया था वो भी आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए और एडमिशन्स के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हर एक जो डॉक्यूमेंट्स की 3 कापीज आपको लेके जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर पे 10th क्लास का डिप्लोमा आपको चाहिए, और सेकंड नंबर के आप अगर पार्ट मतलब सिस्टम में आपने ग्रेजुएशन करी है तो पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की मार्क्स का चाहिए, नहीं तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपका जो 1 टू 6 सेम आपकी ऑल मार्क्सशीट जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए होगी। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाएंगे बीएड एडमिशन के लिए, तो बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री चाहिए अगर आपके पास है तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एमए एमएससी एमकॉम जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, मतलब जो स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन पीजी करी है, तो वो एमए एमएससी एमकॉम या उसकी मार्कशीट जो है वो साथ लेके जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपको जो एमए एमएससी एमकॉम की डिग्री, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट ड्यूली कंसर्न बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद नंबर 8 पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री ऑफ द लोएस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, उसके बाद एनटीटी ईटीटी डीईडी डीईआईईडी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो साथ आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि जो स्टूडेंट जो काउंसलिंग में वहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एनी स्टूडेंट्स रिमाइन एबसेंट फॉर द काउंसलिंग ऑन हिज रिटर्न, अगर वो अपने टर्न से एबसेंट हो जाता है एज पर मेरिट, एंड शी विल बी कंसिडर फॉर द एडमिशन ऑन द सब्सिक्वेंट डे डेज ऑफ काउंसलिंग सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अगर सीट्स बचती हैं तो फिर उसको एडमिशन मिलेगी अगर कुछ भी स्टूडेंट एबसेंट रहता है काउंसलिंग के टाइम। तो इन्विटेशन टू द काउंसलिंग शैल नॉट बी गारंटी द राइट ऑफ द राइट टू एडमिशन, आपकी काउंसलिंग होगी यानी कि आपको एडमिशन्स के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी जो एडमिशन जो है वो खानी है। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स,
सीट्स के बेस पे आपकी जो एडमिशन होनी है, अगर सीट्स नहीं है तो आपकी एडमिशन जो है वो नहीं होगी, यानी कि आपकी काउंसलिंग हो गई तो आपको एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे बता दूँ आपको मैं, फादर रजिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसलिंग कम ऑन द स्पॉट एडमिशन, प्लीज़ रिपोर्ट फादर रजिस्ट्रेशन बिटवीन द 9:30 AM टू 11 AM। तो आपको 9 बजे वहाँ पे 9 बजे पहुँच जाना है ताकि आप वहाँ पे जो आप खुद को रजिस्टर कर सको 9:30 पे, ओके। तो जो शेड्यूल है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो 1 दिसंबर को होना है वो उन स्टूडेंट्स को होना है जिनके पास कैटेगरी है NTT ETT DED DIE DED क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है, वो स्टूडेंट्स, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 1 तारीख को होगी सुबह 9 बजे। और मेरिट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट की होगी 2 दिसंबर 2021, जिनका मेरिट पॉइंट 63 है या उससे अबो है, तो उन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 2 को। उसके बाद 3 को जिन स्टूडेंट्स की होगी 57 पॉइंट जिनके बनते हैं या उससे अबो, तो आपके जो मेरिट पॉइंट है जो आपने फॉर्म जब अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपने जो प्रिंट आउट अपना डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे आपको जो मेरिट जो पॉइंट वहाँ पे शो हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे जो उसके बाद 3 के बाद 6 तारीख को जो होनी है काउंसलिंग वो 53 एंड अबो, ओके, इससे ऊपर आप जिनके मेरिट पॉइंट्स हैं वो अपनी काउंसलिंग जो करवाएंगे। उसके बाद जो 7 तारीख को होनी है वो 48 पॉइंट वालों की होनी है या इससे अबो, उसके बाद यहाँ पे जो 8 तारीख को होनी है ऑल द एप्लीकेंट एलिजिबल इन द डिफरेंट कैटेगरीज, जितने भी स्टूडेंट हैं एलिजिबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज की उनके जो काउंसलिंग होनी है वो 8 को होनी है, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूँ आपको मेरिट पॉइंट्स, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट का बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरिट पॉइंट आपको बता दूँ, आपको जो प्रिंट आउट होगा उस पर आपको शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये मेरिट पॉइंट जो यहाँ पे है मेरिट पॉइंट जैसे 54.7, ओके। तो इस तरह से आपको मेरिट पॉइंट जो आपने देख के जो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो अपनी काउंसलिंग जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना था आपको, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।